अब करते हैं, वोट में दिया है, हमको दिया है। रामलखन यादव, तो आज आपने तारीख पर आए थे, खाना कान संख्या 152 18 क्या है, 152 जो भी है, तो आप इससे क्या शिकायत है? शिकायत है वहाँ जो है से जेल में कुछ कुछ उससे पैसा उसको बंदी था, निकल गया, गया भागलपुर, जो शिकायत किया भागलपुर चला गया। हम लोग जो है से उसमें खाना बहुत लोग से खाना स्पेशल सर बनता है, हम लोग के खाना भी मिलता है, जैसे झींगा मिल रहा है, झींगा 10 रुपये झींगे, कदुआ मिल रहा है, कदुए कदुआ सीझा करके झींगा सीझा करके उसमें कच्चा पानी में खून कर बाल्टी 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 पानी देकर पानी रहता, रोटी या तो साफ जल्दे होगा और नहीं तो रोटी कच्चा है, या कच्चा है या तो साफ जल होगा। हम लोग कहें कैसे खा सकते हैं, ये तो जानवर नहीं खा सकता है, आगो माला तो बनता है, जैसे मतलब ख्याति बनता है, सर ख्याति भी खाने लायक नहीं है साहब, कहाँ है रोटी? रोटी है, ये रोटी आपको कैसे मिली? रात को चार रोटी को मिलता है, सुबह हम चावल मिलता है, चावल फला में रात नहीं खाए हैं, रात को हम सुबह सुबह करके रह जाते हैं, तो रोटी हम लेकर अभी भी मैडम जो व्यवस्था है वो नहीं पूछे, हम ये पूछ रहे हैं कि सप्ताह में हम जाते हैं वहाँ दो दिन और पाठशाला में सभा भी लगाते हैं, आप देखे होंगे हम, लेकिन आज तक आपने एक बार भी हमको बोला कि इस मैडम ये समस्या है, एक बार भी बोला बताइए मैडम। आप वार्ड वार्ड सिंगल नहीं जाते हैं, वार्ड वार्ड जाना मेरा जो नहीं सर, हम हमको बात सुन लें, आपके दौर में सिपाही लोग दौर हो जाते हैं, अगर वो आपको शिकायत करेगा तो आप भूर्ख चले आइएगा, उसको क्या नौबत होगा बंदी को, तो बंदी बनेगा, हम क्या हमको क्या होगा, जवाब दे दिया मैडम, अब आपका जवाब वो दे दिया, आपका जवाब वो दे दिया, शिकायत हम करेंगे तो आप लोग को लौट के चले आइएगा, और उस बंदी का क्या हाल आज क्या होगा सर, इंक्वायरी में जाएंगे आप, इंक्वायरी में जाइए, जज साहब है, जज साहब लोगों शिकायत कर रहा है, आपके निकट नहीं कर रहा है, सिपाही के निकट नहीं कर रहा है, रिजल्ट तो वही हो रहा है, जो होगा होगा, लेकिन आप शिकायत करबे करेंगे, प्रोसेस है सर, तो आपका दे दिए, हम जाते हैं इसे सर, हमको इसीलिए भेजते हैं, अगर आपको तो उसके लिए सर हमको भेजते हैं जेल में, जो आप हमको नहीं बताइए, डायरेक्ट बताइएगा, हमको भी बताइएगा, हम जब जाते हैं आप बोल लीजिए, हमको मौका दीजिएगा मैडम, तो हम बोलेंगे, गरीब गुरबा के बिस्कुट 200 रुपया किराया लगता है, वो आता है गेट पर लगा दे, दूसरे आम लेकर के आया तो पहले 200 रुपया खर्चा दो, बाहर में सिपाही लोग है 200 रुपया लेता है, दूसरे आम करता है, उसके बाद अंदर जाता है, फिर सिपाही लोग अंदर से बाहर होता है, चलो खर्चा दो, पहले खर्चा 100 रुपया काम ले जाएगा, 500 रुपया वहाँ गेट पर मिलता है। बाबू बराबर, ये रोटी कहाँ से आई? नहीं तो अभी तो हमको मिलल होगा रोटी, बाद हमारे हिस्सा रखल होगा, ये रोटी को अगर नहीं मिलेगा, चलिए रोटी लाए, कौन सी मिलाए, झोला में लाए, झोला में पेपर में लपेट कर झोला में लाए, नहीं तो अभी 3 बजे खाना मिल गया होगा, वार्ड में रखल होगा, देखने झोला का कोने देखा गया था वहाँ वार्ड में, अभी हम यहाँ जब हम लाए आपको तो झोला नहीं देखा गया था, झोला लेकर के हम आए हैं, झोला नहीं लेकर गए हैं, झोला लेकर के हम आए हैं, झोला में पानी था, पंखा था, रोटी था, पानी
नहीं नहीं वो साथ में खाइए, फिर जो ले गया है वहाँ कोर्ट में साथ में खाइए। सिपाही देते आई नहीं, अगर नहीं मानिएगा तो यहाँ उतरे हैं तो यहाँ कैमरा चेक कीजिए, हम झोला ले कर आए हैं। कैमरा चेक कर लीजिए, ठीक है तो कहा कैमरा चेक कर लीजिए। हम इसको इसको जब वकील साहब ने रुचि दी, आजब के जब वहाँ से इसको कटरा में खड़ा किए सब, उसके बाद कटरा में खड़ा के बाद उसके बाद मैडम कर गई वकील साहब, उनका जूनियर वकील थे वो रोटी उहार दे। अरे पहले ये दिया, हम आपके वफादार हैं, आप हमारे वफादार, हम लोग भूख बोल के क्या करेंगे। तो सर हमने वहाँ रोक दिया, हम कहते ये क्या कर रहे हैं, रोटी है रहने दी। हम कहते सर रोटी तो आया वहाँ से लेकर के निकाल के आया, कुछ छोड़ा ना कल कुछ नहीं, रोटी आप कहाँ पे है, हम उनसे सवाल सब किया। उसके बाद कहते हैं सर चुप रहते हैं कि नहीं, तब कहते सर हम लोग आपके हुक्मदार हैं, जो आपका आदेश का होता है हम लोग पालन करें, उसको तो हम लोग बोल नहीं सकते। उसके बाद सर से इससे पीछे तो फिर सर कहे अरे साहब के देख रहे हैं, आपके मतलब नहीं कर रहे हैं, कहे आपके मतलब नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। हम तो हाजत ना आए हैं, अरे जाकर हम सरवाए हैं, हम चाहने वाले हम गेट पर खड़ा है गाड़ी के पास। अच्छा सब सुन लीजिए, बात जब कान में कुछ बोला दिए ये लोग बोलते हैं कि ये जेल से आया हम चढ़ाने वाले हैं, हम चढ़ाने वाले इनको है, हम गिनती कर रहे हैं कि कितना कर दिया, एक भी झोला लेके नहीं है, झोला लेके नहीं है। हम सुन लीजिए बाबू खड़े हैं, आप आदत से जब निकाल के हाथ में कुछ नहीं आखिर में कहाँ से आया, कुछ पते नहीं चल रहा है। रोटी वहाँ वकील शासन झूठ बोलते तो सब टोक सकते हैं, तो आज बोलते हैं क्या कर रहे हैं। खाना कितने बजे मिलती है आप लोगों को? 3 बजे अभी मिलता है खाना, सुबह अभी मिलते हैं 10:30 बजे खाना मिलता है, 10:30 बजे हाँ 3 बजे अभी 3 बजे खाना मिलता है, सुबह हम 10 बजे झिंगा को कल क्या खाए, झिंगा को कल भी हाँ लगातार देता है, रात में झिंगे को नहीं तो रात में कद्दू को नहीं तो रात में करेले को देगा, कम से कम एक गाड़ी कम से कम कुछ नहीं लगातार एक ही सब्जी आप कर रहे हैं, झोला नहीं खाई नहीं सुनिए ना, ओके बंद कीजिए उनको वहाँ से जान चलाएंगे। और शाम का क्या मेन्यू है? बस शाम को ही कर रहे हैं रोटी है सब्जी, वही दिन वाला सब्जी, दिन वाला ना चीज बनता है, दिन वाला ना जो दिन वही सब्जी होता है, हाँ वही सब्जी। एलएसए में मामला सामने आया है, शिकायत मिली है कि जेल में जो कैदी बंद है उसके साथ दुर्व्यवहार की बात सामने आ रही है, और खाने में भी शिकायत मिली है, क्या पूरा मामला है, कौन ऐसे कैदी है? बीरपुर थाना कांड संख्या 152 में राम जपो यादव एक अभियुक्त है, उसके पुत्र चंदन कुमार के द्वारा एक शिकायत की गई है, शिकायत पर जेल हाजत का निरीक्षण किया गया और इस संबंध में उचित विधि सम्मत कार्रवाई करने का हम आश्वासन। क्या शिकायत मिली है, क्या आरोप था उन पर? तो आरोप यह था कि उसको जेल में खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा है इसी संदर्भ में। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो।